संचार क्रांति योजना स्काई के तहत महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण अब तक नहीं किया गया है। योजना के लाभ में हो रही देरी को लेकर एनएसयूआई ने शुक्रवार को अनोखा विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रमन सिंह का मुखौटा पहनकर विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं को डमी मोबाइल बांटा। इस तरह प्रदर्शन कर जल्द से जल्द योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई। आज पीजी कॉलेज में हम लोग एक नाम मात्र के मोबाइल बनाकर बांट रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने 5 अगस्त को रमन सिंह जी जब कोरबा आए थे तो छात्रों को यह झूठ बोलकर बुलाया गया था कि उनको वहाँ पे घंटाघर मोबाइल का वितरण किया जाएगा। लेकिन आज लगभग 1.5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कॉलेज में ना तो मोबाइल आया है ना ऐसी कुछ सूचना आई है कि मोबाइल का आप वितरण इस तारीख से होगा। महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जिले में 13,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को शासन की ओर से स्मार्टफोन वितरण किया जाना है, लेकिन मोबाइल का वितरण अब तक नहीं किया गया है। स्मार्टफोन के वितरण में हो रही देरी का विरोध करते हुए शुक्रवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को डमी मोबाइल बांटे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दविंदर सिंह, अतहर इमाम, अनिकेत महसर, इजहार, दीपमाला, डिंपल, सुमेश, राम, अंशु, सैफ अली, मधु, ओम व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मसूद अहसन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ पूजा साहू की रिपोर्ट।